हाथरस में देखिए किस तरीके से हुआ, अभी दिल्ली कैंट में देखिए किस तरीके से हुआ, तो ये बड़े एक चिंता का विषय है। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे इसको भी समझने की आवश्यकता है कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं आज वो सरकार में काबिज हैं, सरकार चला रहे हैं। और वहाँ एक बच्ची जिसका बलात्कार होता है, मतलब कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है, मतलब उसको कहने में भी शर्म आती है कि छोटी सी बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई, उसकी हत्या कर दी गई, उसको जला दिया गया। सेव हाथरस के पैटर्न जो माहौल चल रहा है, आर्थिक मंदी कितनी ज़बरदस्त है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है, इन सब बातों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर हम हल्ला बोल रैली का काम का प्रोग्राम रखा है हमने 12 तारीख को जंतर मंतर पर। और उम्मीद है कि उसके अंदर पूरे देश भर के हज़ारों लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारा काम है ऑपोजिशन। कांग्रेस के कद्दावर नेता और दिल्ली में लगातार, आप दिल्ली में जितने फ्लाईओवर देखते हैं, शीला दीक्षित के जो विकास को याद किया जाता है, उसमें बड़े भागीदार राजेश सिलोटिया रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। लेकिन जिस तरह से नांगल की घटना हुई है, जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी बढ़ी है, वो बियॉन्ड द पार्टी लाइन समाज के साथ खड़े होते देखते हैं। राजेश जी स्वागत है और हमें समय देने के लिए थैंक यू। ये जो नांगल वाली जो घटना है, उसमें आप खुद गए थे, कैंडल मार्च भी किया, क्या लग रहा है? आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि जस्टिस में डिले होगा? देखिए, गिरफ्तारी हुई, लेकिन किन हालातों में गिरफ्तारी हुई? जब समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने प्रेशर बनाया, तब जाके पुलिस ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद भी जो पीड़िता थी, गुड़िया थी, उसके मम्मी पापा के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनको थ्रेट मिल रहे हैं कि अपने बयान बदलो, अपनी स्टेटमेंट बदलो। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आज पिछले 7 साल के अंदर जिस तरीके के माहौल डेवलप हुआ है, जो महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं, जो उत्पीड़न बढ़ा है, और ख़ास तौर पे मैं दलित महिलाओं की बात करूँगा, दलित बच्चियों की बात करूँगा, हाथरस में देखिए किस तरीके से हुआ, अभी दिल्ली कैंट में देखिए किस तरीके से हुआ, तो ये बड़े एक चिंता का विषय है। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे इसको भी समझने की आवश्यकता है कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं आज वो सरकार में काबिज हैं, सरकार चला रहे हैं। और वहाँ पर आरएसएस का एजेंडा ही ये रहता है कि इस तरीके की हादसों को बढ़ावा देना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बढ़ावा देना। अभी कुछ दिन पहले आप ये देखिए कि एक आरएसएस के लोगों ने एक जर्नलिस्ट को, आप ही के जर्नलिस्ट को ऑलमोस्ट उसको लिंच करने की कोशिश की। तो ये बड़े दुख का विषय है कि क्यों इस तरीके का माहौल पैदा हुआ। तो हमारी आवाज़, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं और तमाम सामाजिक संगठन हैं, उनकी मांग ये है कि आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चला के तुरंत इनके इस पर फैसला किया जाए, फांसी दी जाए, जो पेरेंट्स हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। सवाल देखिए, खाली मुकदमा बनाने से नहीं चलेगा, एक हमारे को एक सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए। जो सामाजिक हम समानता की बात करते हैं, वो कब मिलेगा? समाज के अंदर जो इज्जत होनी चाहिए जिस तरीके से, वो कब मिलेगी? अगर आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब नौजवानों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज के प्रति और देश के अंदर जो भी अल्पसंख्यक हो, बहुजन हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, किसान हो, उसके साथ में खड़े रहें। 12 को आप लोगों ने संसद का घेराव का ऐलान किया, इस मुद्दे को भी वहाँ उठाएंगे? बिल्कुल, ये तो एट्रोसिटीज़ के ऊपर क्या है, और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एससी डिपार्टमेंट है, उसके चेयरमैन हैं नितिन राव साहब, उनके आह्वान पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है हल्ला बोल। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से दलितों की और बहुजनों की आवाज़ उठाते रहे हैं, इस मसले में भी और हाथरस के मसले में भी राहुल जी और प्रियंका जी सड़कों पे उतरे। हमारे कांग्रेस के जो सांसद थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई दमदार तरीके से, तो ये थोड़ा सा सरकार जो है एक्शन के अंदर आई है। हम इसके अलावा और जिस तरीके का जो माहौल चल रहा है, आर्थिक मंदी कितनी ज़बरदस्त है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है, इन सब बातों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर हम हल्ला बोल रैली का काम का प्रोग्राम रखा है हमने 12 तारीख को जंतर मंतर पर। और उम्मीद है कि उसके अंदर पूरे देश भर के हज़ारों लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे
और हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हमारा काम है, अपोजिशन का काम है। सर एक आखिरी सवाल कि क्या लग रहा है कि राहुल गांधी वहाँ गए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने मुआवजे में बहुत कंजूसी किया है, 10 लाख का अनाउंसमेंट किया है, उसको लेकर कोई बातचीत कोई? देखिए इससे साफ तौर पे मानसिकता का पता चलता है कि इन लोगों की मानसिकता दलितों के प्रति, बहुजनों के प्रति क्या है। एक बच्ची जिसका बलात्कार होता है, मतलब कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है, मतलब उसको कहने में भी शर्म आती है कि छोटी सी बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई, उसकी हत्या कर दी गई, उसको जला दिया गया सेम हाथरस के पैटर्न के ऊपर, और उसके बाद में सरकार के अंदर जो नुमाइंदे हैं, मुख्यमंत्री मंत्री आकर वहाँ पे 10 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। मतलब आप इस देखिए, दिल को बड़ा कटोचने वाला एक मसला है ये कि किस तरीके से, क्या इनकी मानसिकता है, कितनी गिरी हुई मानसिकता है कि 10 लाख रुपए अनाउंस नहीं करते, उसको कहते कि हम सरकारी नौकरी देंगे मम्मी पापा को, इनको रहने के लिए मकान देंगे, और जो भी इनके आने भविष्य के लिए हम कोई प्लान कर सकते हैं वो प्लान करेंगे। 10 लाख रुपए का अनाउंस सरकार के मुख्यमंत्री आके करता है, वो तकलीफ की बात है। एक आखिरी सवाल सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह के हालात हैं, और आज भी आप 8 तारीख को भी कैंडल मार्च में थे, आज भी कैंडल मार्च है, तो जब तक आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट ना बने तब तक आप लोग इस प्रदर्शन इसको आगे कैरी फॉरवर्ड? देखिए ये सिर्फ ये तो केस है, इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने एक घोषणा की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनाएंगे और इस तरीके के मसलों को वहाँ पर चलाएँगे, तो हमारा प्रेशर भी है कि सरकार इसके ऊपर फैसला ले ताकि आने वाले भविष्य के अंदर कभी भी इस तरीके के घटना हो तो जो मुलजिम है उसके दिमाग के अंदर ये खौफ पैदा हो कि अगर ऐसा कुछ किया तो हमारे को तुरंत इसके ऊपर कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो देखिए ये है, देखिए जिस तरह से लगातार एट्रोसिटी हो रही है बियॉन्ड द पार्टी लाइन, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो लीडरशिप है, चाहे पार्टी कोई भी हो, वो एकजुट हो रहे हैं और अत्याचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।